राजधानी दिल्ली में बढ़ती भीषण गर्मी के साथ साथ पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच दिल्ली में स्थित त्रिलोकपुरी के निवासियों ने बताया कि वो रात में 3 बजे पानी भरने के लिए उठते हैं, जो कई बार पानी नहीं भी आता है और इसी वजह से उन्हें पूरा दिन बिना पानी के ही काटना पड़ता है। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? ऐसे में सरकार को पानी की समस्या का सटीक समाधान करना चाहिए। दिल्ली में पानी एक गंभीर समस्या लगातार बनता जा रहा है। काफी समय से हम देख रहे हैं कि कई क्षेत्रों से जो दिल्ली की जनता है वो पानी को लेकर अपनी शिकायत दर्ज करा रही है। इस वक्त दिल्ली में बहुत सारे एरिया है जहां पर लगातार जाकर ये देखा है, समझा है कि आखिर पानी की समस्या गंभीर रूप से क्यों बनी हुई है। हालांकि अगर राजनीति की बात करें तो आपने देखा है कि दिल्ली में जो पानी की समस्या है उसे लेकर जो दिल्ली सरकार है वो लगातार हरियाणा से पानी की मांग कर रही है और जो जल मंत्री हैं वो भी अनिश्चितकाल धरने पर बैठी थी, लेकिन तबियत खराब होने से अभी वो अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जनता पहले दिन से ये कह रही है कि भीषण गर्मी हो रही है और भीषण गर्मी की वजह से जो पानी है वो घरों तक नहीं आ रहा है और कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर अगर पानी आता भी है तो वो पानी साफ नहीं आता है। क्या नाम है आपका? शेर सिंह जी। शेर सिंह जी, अभी इस समय त्रिलोकपुरी में हम हैं, क्या समस्या है पानी? पानी बहुत गंदा आ रहा है, बदबू आ रही है पानी में। एक महीना दो दिन से बस साफ पानी आया है। ये और ये जो गंदा पानी आप बता गंदा रहे हैं, ये बिल्कुल बंद हो जाए, बदबू आ रही है पेट में। हम वो गंदा पानी हमारी टंकियों में सारा मिट्टी जम रही है, सारी मिट्टी ही मिट्टी है। पानी बहुत ही गंदा आ रहा है, ना पीने का मतलब को आ रहा है, ना वो नहाने का मतलब को आ रहा है। कीचड़ वाला पानी आ रहा है, मट्टी वाला पानी आ रहा है। और कई जगह तो ऐसी जहाँ पानी ही नहीं आ रहा है, आपके पास पानी तो आ रहा है, क्या फायदा पानी का? क्या फायदा पानी का? डॉक्टर को पैसे दे रहे हैं, दवाइयाँ ला रहे हैं बच्चों की, अपनी भी दवाइयाँ ला रहे हैं, उस पानी को पीने से फायदा क्या? सब्जी बन नहीं सकती, ठीक है, कपड़े धुल नहीं सकते। मट्टी का पानी आ रहा है, टंकियों में जाके देखो पूरी किरकिराहट हो गई है, मट्टी है, कीचड़ है, कीचड़ ही आ रहा है। सवेरे रात को 3-3 बजे उठ के मोटर चलाई है, पानी तो कोई से टाइम तो सही पानी आ रहा ही नहीं है, ज्यादातर तो बाहर से पानी पी रहे हैं। तो कितने समय से है ये समस्या? समय से क्या, जैसे मतलब 5-6 महीने तक ये समस्या चल रही है। उससे पहले साफ आता था? उससे पहले सही आता था पानी, 5-6 महीने से पानी बहुत ही गंदा आ रहा है, बहुत ही गंदा आ रहा है जी। पानी आता है या आता ही नहीं? पानी पहले तो आ नहीं रहा था, अब एक आध दिन से आ भी रहा है तो वो इतना गंदा, उसमें कीड़े आते हैं पानी में। अरे साहब बोलो, कोई विधायक कोई नेता जीत के गया? आया भी था एक बार यहाँ के निगम पार्षद, हमने उनको पानी बोतल में भर के दिखाया भी था, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया कुछ नहीं। वहाँ भी गए थे निगम पार्षद के पास, जाए तो बोले एमएलए के पास जाओ, एमएलए के पास जाओ, बोले निगम पार्षद के पास जाओ, ऐसे करते हैं, कोई नहीं सुनता। यहाँ 4-4 बोतलें लग जाती हैं जी, बिस्लेरी की पीने की, खाना बनाने की और पीने की, 4-4 5-5 बोतलें बोतलें आ रही हैं। यानी महिलाओं को तो और भी दिक्कत होती है, महिलाओं को भी होती है, जेंट्स को भी, बेचारे सुबह ड्यूटी जाते रात भर सो नहीं पाते पानी के चक्कर में, कभी 3 बजे कभी 4 बजे कभी 5 बजे आया तो आया नहीं तो नहीं आया, मतलब इंतजार करना पड़ता है पानी के लिए भी और वो पानी भी। और शाम को 5:30 बजे तो ऐसा पानी आता है कीचड़ वाला, बिल्कुल गंदा। अच्छा, इस समय तो दिल्ली में आप खबरों में लगातार देख ही रहे होंगे, त्राही त्राही हो रही है, दिल्ली की जनता तक पानी नहीं पहुंच रहा है। बिल्कुल, पानी की शॉर्टेज बहुत है, हर जगह प्रॉब्लम है, यहाँ नहीं पुनवाद जितनी भी कॉलोनी है हर जगह प्रॉब्लम है जी। अच्छा, यहाँ पे जो टूटियाँ लगी होती हैं सरकारी, वो कितनी है? सरकारी टूटियाँ कहाँ हैं? कोई नहीं, प्राइवेट है, मोटर सिस्टम है सबके सरकारी, और उनमें पानी पर्सनल लगे हुए सबके, पानी भी नहीं आ रहा, पानी भी नहीं आता ना, 3-3 बजे उठते हैं पानी भरते हैं और पानी आ नहीं, बंद हो जाता, कीचड़ वाला गंदा पानी आ रहा बिल्कुल, 2:30-3 बजे आता तो गंदा पानी आता बिल्कुल, पी भी ना पाता कोई बर्तन। इतनी भीषण गर्मी है अभी इस समय और आप कह रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा है, तो विधायक जो है वो शिकायत सुनते हैं ये बात आपकी? अभी कोई नहीं सुनता यहाँ, नुकता भी नई सरकार बनेगी जब बताएंगे, अभी बताया ना तो नुकता नई सरकार बनेगी जब बताएंगे, मोदी की सरकार कह के गए ना उस दिन हमने पानी की कही, तो नुकता नई सरकार बनेगी जब बोलना। और जल बोर्ड तक गए थे आप लोग? जल बोर्ड तक कभी नहीं गए मेरे ख्याल, कोई नहीं कोई गया मोहल्ले में जल बोर्ड तक? बहुत से लोग गए भी है पर वहाँ तो कोई वो नहीं मिला, बस गई हुआ भाई, पीछे तो पानी नहीं आ रहा, पीछे तो पानी आ गया, पानी छोड़ दिया जाएगा, पानी नहीं जी, पानी की समस्या बन।
वही है, कभी एक बजे आ रहा है, दो बजे बैठे हैं, तीन बजे बैठे, आता ही नहीं है पानी। दो बजे तीन बजे दो दो तीन तीन बजे बैठे रहते हैं, पांच सुबह पांच पांच बजे तक बैठे रहते हैं, क्या अब आएगा अब आएगा, आ रहा ही नहीं है पानी, बिल्कुल आता है, बिल्कुल कीचड़ का आता है। कोई फिक्स समय नहीं है, कोई आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा इस टाइम तो, फिक्स समय कुछ आ ही नहीं रहा इस टाइम, कुछ नहीं आ रहा। रात को दो तीन बजे मोटर चलाते हैं, देखते हैं पानी आ रहा है नहीं आ रहा, रात को तीन बजे साढ़े तीन बजे पानी आता है थोड़ा बहुत, वही मट्टी वाला। तो सोते कब है, तीन बजे? मैं तो चार साढ़े चार बजे सोती हूँ, कोई रात जगना पड़ता है पानी के चक्कर में। और दिन में कोई समय है पानी का? नहीं, दिन में नहीं आता, रात में ही आता है, वो भी तीन बजे के आसपास, तीन साढ़े तीन बजे मोटर चलाती हूँ, जब थोड़ा बहुत पानी आएगा, सो गए तो पानी चला जाएगा, फिर क्या करेंगे, बिगड़ पानी के तो गुजारा ही नहीं। ये बड़ी गंभीर समस्या है। तो यहाँ पर पानी जो है वो खरीद कर, पानी बाकी में ही नहीं है यहाँ, पानी का तो समझ लो बहुत बुरा हिसाब है यहाँ, जो लेडीज परेशान है, बच्चे परेशान है, पानी के मामले तो सब परेशान है, बाहर से नहीं है पानी, रेडीमेड खरीद कर आना पड़ रहा है। और जो पानी यहाँ से हम मोटर चला के पानी भर रहे हैं, पी रहे हैं, वो समझ लो उससे तबीयतें खराब हो रही है, उनसे सिर्फ डॉक्टरों के मजा है, बाकी नेता विधायक कोई भी नहीं सुनता, कोई भी पार्टी का हो कोई नहीं सुनता, गरीबों की तरफ कोई नहीं देखने वाला। तो देखिए पानी जो है इस समय एक गंभीर समस्या बन रहा है, जहां पर चाहे विधायक हो, पार्षद हो, किसी से भी शिकायत की जाए या फिर जल बोर्ड हो, हर किसी का यही जो जवाब है कि पानी नहीं मिल रहा है। अरे पानी मिल ही नहीं रहा है, एक महीने से ऊपर हो गया, ठीक है, अभी सवेरे मैंने नहाया भी नहीं, अभी वैसे ही बैठा हूँ, पानी नहीं है, और है वो इतना गंदा पानी है, साला मिट्टी आ रहा सारा नीचे, हाँ तो बहुत किल्लत हो रही पानी की, मिल ही नहीं रहा पानी। अच्छा, सरकार तो कह रही है कि बहुत अच्छे से दिल्ली की जनता को पानी मिल रहा है, हम काफी प्रयास भी कर रहे हैं। सरकार कह रही है पब्लिक पागल है क्या, जो ऐसे बोल रही क्या, झूठ बोल रही क्या पब्लिक, सरकार के कहने से क्या होता है, पब्लिक क्या पागल थोड़ो ना, झूठ थोड़ो बोल रही है, पानी नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा ना, गंदा पानी आ रहा है। और विधायक जी क्या कह रहे हैं समस्या? विधायक जी इधर जाओ उधर जाओ, बस यही सब कह रहे हैं, वोट के टाइम पे तो सब कहते हैं सब कुछ होगा, अब कोई सुनवाई नहीं हो रही किसी की भी। जो हम जमीन का पानी ले, उनका उनके आ रहा है, उन्हीं से एक दो बाल्टी हम ले लेते हैं, अब ये ना कोई एक दो बार तो दे देता है, अब ये तो डेली की समस्या है ना, फिर मना कर देते हैं, फिर वही हम भी चुप रह जाते हैं, डेली कौन देगा। तो देखिए इस समय राजधानी दिल्ली में कई क्षेत्रों में पानी की समस्या काफी गंभीर बनी हुई है, एक तरफ भीषण गर्मी है, इस भीषण गर्मी में पानी जो है लोगों को खरीद कर पीना पड़ रहा है, कहीं पर बोरिंग सिस्टम है वो भी उन्हीं घरों में है जहां पर आर्थिक स्थिति अच्छी है, ऐसे में लोग जब घरों से पानी मांगने के लिए जाते हैं तो एक से दो दिन पानी दे दिया जाता है, लेकिन अगले दिन से मना कर दिया जाता है, तो ऐसे में लोगों का ये कहना है कि कोई निश्चित जो प्रयास है वो सरकार की तरफ से होने चाहिए, आखिर कब तक महंगे गैलन को खरीदेंगे और कब तक दूसरों से पानी मांगा जाएगा, और टैंकर जैसी व्यवस्था भी यहां तक नहीं पहुंच पाती है। तो गंभीर पानी की समस्या को लेकर लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, राजधानी दिल्ली के कई क्षेत्रों से अभी तक बहुत सी शिकायतें पानी को लेकर आ चुकी हैं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं रिया राय, टोटल टीवी दिल्ली।